एंड हम लोग बस निकल रहे हैं, फुल रेडी हैं हम लोग, सब कुछ, मम्मी लोग भी पीछे हैं। तो हम लोगों ने ट्रिप ज़ीरो कर लिया है अभी, देख लो आप, ट्रिप 2.0 है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड लेट अस सी कि कितना दूर है, क्या टाइम लगेगा। बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, जाते हैं। तो हम लोग निकल गए हैं, चलो पहले पेट्रोल फिलअप करवाते हैं। सो गाइस, वी आर अप ऑन द हाईवे। ये हमारा 6 लेन है जो पटना वटना जाता है, भागलपुर पटना सब यही जाएगा। तो अभी हम लोग इस पर ही चलेंगे और आगे कुछ दूर में जो पेट्रोल पंप है हमारा, माफा बोल के, वहाँ पे पहले टैंक फुल कराएंगे। टैंक में भी अच्छा खासा पेट्रोल है, बट हम फुल करा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे लिया जाएगा। तो चलिए रास्ते में मिलते हैं आपसे फिर। अभी फ़िलहाल तो मैं पहुँच जाऊँ पहले पेट्रोल पंप, उसके बाद का बाद देखा जाएगा। तो गाइज, अब है पेट्रोल भराने की बारी। ये देखो हमारा पेट्रोल पंप आ चुका है, हम लोगों ने इंडिकेटर दे दिया, तेल ले लेते थोड़ा सा। अच्छा खासा जाम लगा है भाई, तो थोड़ा वेट करते हैं फिर लेते हैं पेट्रोल। तो गाइस बस हमारी बारी आ गई है, टैंक फुल कर दीजिए, फुल कर दीजिए। 400 नहीं, कैश देंगे। हाँ 70 कर दीजिए। भैया थोड़ा सा बड़ा आगे कर लीजिएगा। तो गाइस पेट्रोल फिलिंग हो गया है कंप्लीट, बट यहाँ पे अभी भी पूरा फुल टैंक नहीं आया भाई। रेंज क्या आ रहा है? अच्छा थोड़ी देर पे आ जाएगा अभी हम लोगों का, देखते हैं। सबसे बड़ा सीन ये है कि बाइक हमारी सर्विस चाहिए इसको 33 किलोमीटर्स पे, और मैं एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ कि कोलकाता पहुँच के ही सर्विस कराऊँगा इसको। अभी ये छोटा सा चोचलापा करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये है हमारा टोल प्लाज़ा। तो गाइस हम लोग हैं पूर्णिया के बाहर, अब चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टॉप पे। तो गाइज हमारा फर्स्ट स्टॉप कंप्लीट हो गया है, और हम लोग देखो यहाँ पे बाइक का हाल, और नीचे सामान रखा है। हम लोग पहुँच गए हैं कुरसैला अभी, और बहुत धूप है। अनएक्सपेक्टेडली मैंने सोचा था कि धूप नहीं होने वाला है, बट धूप है अच्छा खासा, गर्मियाँ भी लग रही है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अभी लिट्टी खाएंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आगे, एंड आगे जाके आपसे मिलते हैं हम सीधा भागलपुर में। भागलपुर के बाद आपसे हम मिलेंगे डायरेक्ट बांका मसानजो डैम पे। तो मेरे साथ वीडियो में पूरा बने रहे, एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, थैंक यू। इन भाई साहब ने हमें खिलाया है लिट्टी, बिहार का बहुत पॉपुलर, देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने खा लिया है। हमारे भाई के साथ में हमारे शहर के एक अंकल भी मिल गए थे अभी। तो बस हो गया काम ख़त्म, और अभी हम लोग निकलेंगे वापस से, इधर ही जाना है। बाइक ठीक चल रही है, कोई टेंशन नहीं है। देखो थोड़ा गंदा हो गया है, एक्चुअली क्या है कि जो कीचड़ की वजह से थोड़ा गंदा हो गया, और ये देखो धूल वूल आ गया है। बाकी इसको हम लोग बाद में पहुँच के ही साफ़ करवाएंगे, अभी कुछ नहीं। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं। हाल देखो, ये रोड कम है, ब्रेकर ज़्यादा बना के रखा है इन्होंने, ऐसा लग रहा है कि आज ही सारा डांस कर लूँगा। खैर वो सब हटाओ, ये देखो हमारा आपको जो सामने दिख रहा है, यहाँ पे है हमारा कोसी महानदी बोल के ऐसा कुछ नाम है इसका। तो ये बेसिकली है कुरसैला, कुरसैला बोल के है जगह पे, यहाँ पे से कोसी बहती है हमारी। और देख रहे हो वहाँ पे रेलवे लाइन है हमारा वो उधर पे, और ये हमारा बाय रोड रोडवे है, और इधर से बह के आती है, और ये रास्ता इधर जाएंगे सीधा तो हम लोग बीरपुर नेपाल पहुंच जाएंगे, इस वाले नदी से अगर उल्टे डायरेक्शन में जाए तो, क्योंकि ये नदी उधर से ही बह के आती है। और इस अंकल जी को देखो बहुत जल्दी में है, भैया हम चला रहे हैं 40-50, वो चला रहे हैं 150। चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी है, हम क्या ही कर सकते हैं भैया, उनका शौक वही जाने। देखो जैसे ट्रेन भी जा रही है, देखो ट्रेन भी जा रहा भाई। तो गाइज़ हम लोग बाय रोड जाने का इसलिए सोचा कोलकाता, क्योंकि हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम लोग चलेंगे ट्रेन से। ये देखो गाइज, देखो देख पा रहे हो ना, ये छोटा सा बाउंड्री है, बाउंड्री के पीछे पूरा नदी दिख रहा है आपको, आपको क्या मेरे को भी दिख रहा है। और अभी ये तो कुछ नहीं, अभी आपको दिखाऊंगा बिहार का छठा सबसे लंबा ब्रिज, जिसको बोलते हैं हम लोग विक्रमशिला सेतु, जो हमारा लोकेटेड है भागलपुर में। और हम लोग भागलपुर होके जाएंगे, क्योंकि भागलपुर से हमें एक डाइवर्जन लेना है,
वहाँ से थोड़ा सा कटेंगे तो ट्रांसफ़र होके हम लोग इधर हो जाएंगे। एंड सही है भाई, चलो घूमते फिरते आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हदबरी नहीं, कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं है। हाँ लिमिटेशन है तो बस पेट्रोल बचाना है, जितना ज़्यादा पेट्रोल बचा सके उतना फ़ायदा है हमारा, ठीक है। तो चलो बिना टाइम गवाए चलते हैं। सब लोग कितनी जल्दी में है भाई, सब लोग क्या भाई, क्या चाहते क्या हो चाचा, देखो इतना जल्दी में। अरे भैया हम भी गाड़ी को रगेड़ सकते हैं, ठीक है तुम्हारी गाड़ी से तो ज़्यादा ही चला लेंगे, लेकिन बाबू पेट्रोल बचाने का है हमको। चलो खैर इनको मारते हैं गोली, इग्नोर दैट सीट, हमें अपना सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिलहाल उस पर ध्यान देते हैं और चलते हैं आराम आराम से, घूमते फिरते मज़े करते हुए हंसते खेलते। अरे ओ पकड़ी दीदी, ये दीदी रोड पे ऐसे नहीं घूमिए। तो गाइज वो ब्रिज ख़त्म हो गया, अब मिलते हैं आपसे हम दूसरे ब्रिज पे। यो बहनों जिस चीज़ का डर था वही हुआ, देखो जाम लग चुका है, ट्रक्स की नो एंट्री ख़त्म, अब हम फंस गए हैं बुरी तरीके। फंसे तो नहीं है फिलहाल भैया, निकल तो जाएंगे हमको जहाँ तक लगता है, बट ये धूल धुआँ थोड़ा ज़्यादा ही उड़ रहा है। तो हम लोग कर लेते हैं शीशा बंद, अब चलो। देखो भाई दिख रहा है ना आपको, देखो दोनों बगल से जाम जाम लगा पड़ा। ओ भाई साहब ये देखो ट्रक का एक्सीडेंट होया पड़ा है, देख पा रहे हो घुसा दिया अंदर तक। ये पक्का रात में ही हुआ होगा या फिर दारू पी के गाड़ी चलाता है लोग गांजा। तो भाई और उनकी बहनों स्वागत है आप सब लोगों का बिहार के छठे सबसे लंबे ब्रिज जिसका नाम है विक्रमशिला सेतु। देखो विक्रमशिला सेतु, तो हम लोग बस उस पर चढ़ चुके हैं एंड अभी देख पा रहे हो आप यहाँ से ब्रिज की स्टार्टिंग हो गई। चलो शुरू करते हैं, वहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो गया है और लिखा है गो स्लो। और भाई ब्रिज का हाल बहुत बेकार है, बेकार इन द सेंस बोलूँ तो देखो बहुत जगह पे डैमेज हो रखा है। ये देख रहे हो गड्ढा गड्ढा भाई, ऐसा मन कर रहा है मेरे को ना यहाँ पे बाइक का एक्सीलेटर थ्रॉटल दे दूँ मैं नीचे तक, बाइक रखूँ छठे गियर पे और जहाँ तक जाएगा बाइक लेके जाऊँ, मतलब ऐसा मज़ेदार सीन है भाई। देखो इधर यार, देखो पूरा दूर दूर तक गंगा, इधर दूर दूर तक गंगा, जय हो गंगा मैया, पार लगा दे हमरी नैया। अब इन चाचाओं को क्या बताया जाए कि ये भोसड़ी वाले चाचा हैं, खौफ है भैया खौफ है, बाइकर्स का खौफ हर किसी के दिल में है, अच्छा है होना भी चाहिए, कोई बात नहीं मारो भली। हम लोग 60 का एवरेज मेंटेन करके चल रहे हैं और हम लोग पक्का पक्का वहाँ पे 81 पे चढ़े थे, ओ नहीं 81.9 पे चढ़े थे, तो लगभग 150-150 किलोमीटर 150-200 मीटर आए हैं। नापते हैं कितना किलोमीटर का है ये ब्रिज, तो कहीं क्रॉस करने के चक्कर में कुछ मज़ेदार मिल गया तो मज़ा आ गया। यहाँ पे एक चीज़ और कहना, यहाँ पे डॉल्फिन्स रहती है। जब मैं बहुत छोटा था, छोटा क्या मतलब 8-9 स्टैंडर्ड पे था, तभी मम्मी छठ करती है मेरी, तो उसमें जब हम गंगा नहाने के लिए आए थे तभी हमें एक बार दिखा था, उसके बाद से कभी नहीं दिखा, मतलब उसके बाद हम आए भी बहुत कम ही है इधर, फिर भी देखने का तो बहुत है इच्छा, कभी दिख जाए तो मज़ा आ जाए। खैर वो सब छोड़ो, नापते हैं पुल की लंबाई और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, झारखंड एंटर करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहे पूरे व्लॉग में। ए भैया सामने वाला गाड़ी स्लो मत किया करो यार, ठोक ठाक देंगे तो बस। ये डबल साइड इंडिकेटर का ही दिया भाई, पहले राइट दिया फिर लेफ्ट दिया, मतलब चाहते क्या हो, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, एक बार तुम डिसाइड कर लो पहले, ऊपर से बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चला रहे हो, क्या बोलेंगे बबुआ, तुम ही लोग का तो दिन है, मज़ा आ रहा है तो चलाओ, कोई बात नहीं ठीक है, नया नया खरीदे हो धनतेरस में, नंबर नहीं मिला है अभी, यही बहाना बोलोगे। चलो ठीक है मारो गोली, पुल्ला का लंबाई नापते हैं हम, हमें तुमसे क्या, तुम कुछ भी करो। तो गाइज ऑलमोस्ट एंडिंग आ चुका है यहाँ पे, देख पा रहे हो ऑलमोस्ट एंडिंग आ चुका है, और अंकल का टायर पंचर हो गया था भाई। तो ये हुआ ब्रिज ख़त्म और पक्का
पक्का पक्का 4 किलोमीटर अप्रॉक्स, क्योंकि 4.1 किलोमीटर समथिंग है, क्योंकि हम लोग 81.5 पे चढ़े थे समथिंग वहाँ पे, और ये 85.6 पे ख़त्म हुआ, मतलब 4 किलोमीटर समथिंग का ब्रिज है वो। ओ माय गॉड, टूडू लव, 4 किलोमीटर के ब्रिज पे से हम लोग आ रहे हैं अभी, 4 किलोमीटर के ब्रिज पे थे, जो कि बना है गंगा रिवर के ऊपर। बहुत कम ही ब्रिज बना हुआ है गंगा के ऊपर यार, हाँ मतलब बहुत कम ही ब्रिज है। हाँ ओके, तो आगे मामू है मेरा, नहीं किसी और का, मामू साइड में है, जाने दो। ओ सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी गाइस, मेरे को स्ट्रिक्टली मना किया गया था गाली देने से, मैं फिर भी दे दिया, सॉरी। कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी शहरों में बड़ी बड़ी बातें तो होती है ना, तो क्या कर सकते हैं, हो गया हो गया, चलो मारो गोली, बाद में देखा जाएगा फिर आगे का बात। फिलहाल हम लोग चढ़ते हैं ऊपर ब्रिज के ऊपर और चलते हैं झाड़ाखंड, ओ मतलब झाचरंड नहीं जीजे झारखंड, वो तनी फुलो फुलो में बहुत कुछ निकल जाता है ना, तो तेरा माइंड मत कीजिएगा। झारखंड वाले लोग अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो हम मजाक मस्ती में बोल दिए हैं, अब तुम दिल पे मत ले लेना, किडनी विडनी पे लोगे तो चलेगा, ठीक है। फिलहाल तो हम हैं ब्रिज के ऊपर, ये टोल रोड है, आगे जाके हमें टोल देना पड़ेगा शायद, बट आई होप सो कि हम उससे पहले ही एक खोपचे से कटिंग मार लेंगे। ये देखो भागलपुर, भागलपुर इधर जाता है, इधर तिलका मांझी, बट हमें उधर नहीं जाना है। अब यहाँ से हमें लगाना पड़ेगा मैप, क्योंकि यहाँ से मेरे को रास्ता एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है भाई, ऐसा रोड मिल जाए ना पक्का कहते हैं हम, शाम के 6 बजे तक पहुँच जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। अच्छा पटना भी इधर से जाता है 236 किलोमीटर, मुंगेर 70, सुल्तानगंज 32। ना ही हमको मुंगेर जाना है, ना ही सुल्तानगंज जाना है, ना ही पटना जाना है भाई, हमें तो जाना है कलकत्ता, कोलकाता नहीं कलकत्ता जाएंगे हम। तो भाई और उनकी बहनों, जिस चीज़ का डर था वही हुआ, बहुत भयंकर ट्रैफिक मिल गया है हमें, आप देख पा रहे हो, पूरा ऐसी की तैसी हो गई है ज़िंदगी ख़राब, गाली देने का मन कर रहा है बहुत बुरे तरीके से। एक तो ये रोड नहीं भैया, चिप्पी का दुकान है, इतना 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 चिप्पी लगा है इसमें, मतलब जहाँ पे रोड टूटा है तो पूरा रोड कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, बस उसके ऊपर में ऐसा डांबर भर के खाली फिलअप करके या नाम बना दिया कि हाँ काला काला दिखना चाहिए कि रोड जैसा है, बस प्लेन हो, मेजरमेंट हो, लेवलिंग हो, कुछ नहीं। तो मेरे बिहार सरकार कुछ तो करवाइए, तनी रोड ठीक करवाइए, काहे बच्चा का प्राण लेने के पीछे लगे हुए हैं। ऐसे कुछ दिन पहले रोड के चक्कर में हमको सॉकर चेंज कराना पड़ गया, अगला दोनों सस्पेंशन चल गया था मेरा भाई। खैर चलो क्या ही कर सकते हैं। अरे ओ ओ ओ ओ भाग भोजुड़ी के, इधर चाट रोड चाट। वाह देखो कितनी अच्छी पब्लिक है यहाँ की, अपने से ब्रेकर बनाते हैं। कहा भैया रिश्ता निभा रहे हो का? चलो उनको रिश्ता निभाने देते हैं, हम लोग पहुंचते हैं मंदार हिल्स, पहले मंदार हिल्स पहुंचते हैं उसके बाद चलेंगे आगे। तो गाइस स्वागत है आपका झाजर झंड में, नहीं जिया झिरे झंड में, झियारखंड में, झारखंड में, नहीं नहीं सॉरी सॉरी झारखंड में, स्वागत है आपका झारखंड में। तो हम लोग झारखंड आ चुके हैं, और जैसे ही झारखंड हुआ भाई रोड का हालत देखो, ये देखो भाई रोड मेरा जो है ना ज़िंदगी ख़राब कर देगा, बहुत टाइम से भैया झारखंड में जब से घुसा हूँ, रोड की माँ भाई पापा चाचा नाना दादा उसका पापा उसका मम्मी सब याद आ गया, इतना है। अच्छा और सबसे ज़्यादा क्या भाई, हाईवे में ब्रेकर कौन देता है भाई, हाईवे में कौन ब्रेकर देता है, कसम दिमाग खराब हो गया हाईवे में ब्रेक मार मार के। ये मेरा जो है ना
क्या बोलूँ, आधा हाथ दर्द हो गया है। देखो ये देखो ये देखो, क्या बोलूँ, इसीलिए इसको झाकड़ झंड बोलते हैं हम, या झाड़ झाड़ खंड, झाकड़ झंड, इसका जिंदगी भी झंड। सब कुछ तो ठीक है, महुआ नहीं दिखा अभी तक हमको, देसी दारू। झारखंड में भी बंद कर दिया है का, चलो ढूंढते हैं। तो गाइज हम लोग पहुंचने वाले हैं मंदार हिल्स, मंदार हिल्स पहुंचने वाले हैं। मंदार हिल्स तो नहीं जाएंगे, मतलब आपको दूर से दिखा दूंगा ये मंदार है, बट वहाँ जाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे को अभी बहुत ट्रैवल करना है, समथिंग अराउंड 350 किलोमीटर्स और है, तो उसके लिए कम से कम मेरे को 7-8 घंटे तो आराम से लग ही जाने वाले हैं, इसलिए नहीं दिखाऊंगा। बाकी हमारा हिली एरिया स्टार्ट हो चुका है, पहाड़ वहाड़ सब आ चुके हैं, पत्थर वत्थर ईंटे पत्थर सब दिख रहे हैं, तो खैर वो सब बाद में, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, मंदार हिल दिखाता हूँ। ये गाइस ये झारखंड है, जहाँ जहाँ ये ऐसा कंक्रीट वाला रोड दिख रहा है ना, सब झारखंड है, क्योंकि हम लोग बहुत, अरे भाई मेरा जिंदगी खराब कर देगा क्या बे तुम लोग, सरकार ने मार ली है सबकी डैश, फिल इन द ब्लैंक्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं क्या, पूरा साथ में लिखिए, सरकार ने मार ली है सबकी डैश। मुबारक हो, वापस से बिहार में आ गए, अब बंगाल का देखते हैं भैया, बंगाल का क्या सीन है। दूर से बहुत सुंदर नज़ारा देखने को तैयार हो जाओ, ये देखो इधर छोटे छोटे पहाड़ के टीले दिख रहे हैं, और ये देखो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा क्या, होप सो दिख रहा होगा शायद, यहाँ से नहीं दिख रहा, जंगल आ गया, आगे चल के थोड़ा खाली खाली जगह मिलेगा ना वहाँ से दिखाता हूँ। ये मेरे को मंदार हिल्स दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, ऐसा हिली एरिया स्टार्ट हो गया है, अभी मेरे को मंदार हिल्स दिख रहा है, दिख रहा है। अरे यार छोटे छोटे पेड़ जो झाड़ियाँ हैं ना, झाड़ियों की वजह से अच्छे से नहीं दिख रहा, वरना दिख तो रहा है। इसी साइड पे है ये पेड़ वेड़ हटे तब आपको मैं दिखा पाऊँ, वरना ये पेड़ को तो काटना पड़ेगा और मैं पेड़ नहीं काटता, क्यों, क्योंकि आई एम अ वेरी पर्यावरणिस्ट और इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, जो भी बोलिए, बकचोदे बोल लीजिए वो चलेगा। ओ भैया हाँ, तो अब दिखेगा ये अच्छे से, ये देखो गाइस ये हमारा दिख रहा है मंदार हिल्स, वहाँ से वहाँ तक ऊपर देखो एकदम क्लिप पे एक मंदिर है, एक दो मंदिर टाइप का जो दो दिख रहा है वो ऊपर का टॉप में ही है, वहाँ पे ही जाना होता है, और यहाँ पे इस पूरा हिल पे हम लोगों को पैदल चढ़ना होता है। और हाँ अभी तो शायद वो क्या बोलते हैं रोपवे भी स्टार्ट हो गया है, बट कुछ टाइम पहले तक पूरा पैदल जाना पड़ता था, और देखो क्या मस्त तगड़ा व्यू है इसका, मतलब क्या ही बोलूँ भाई, बवाल जगह, ऊपर जाने के बाद और मज़ा आता है, ठंडा भी लगता है सबसे बहुत ये, तो ये दूर से ही देख लेते हैं आज, वापस जब उधर से लौट के आएंगे या फिर आपको मैं किसी और दिन ऊपर ले जाके दिखाऊंगा कि कैसा है क्या है, हाउ टू गो, कैसे टू गो, कहाँ टू गो, या फिर आप मेरे पुराने व्लॉग्स में चेक करो, पुराने व्लॉग में होगा, मैं एक बार आया था तो मैंने उसमें एक व्लॉग डाला था, तो आप वो चेक करो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे, हम आ गए थोड़ा सा आ गए। तो गाइस शायद आप देख पा रहे हो ये एक पुराना सा टूटा डैम है, और वहाँ पे बच्चे मछलियाँ पकड़ रहे हैं, इधर भी देखो कुछ ऐसा है, मतलब बेसिकली यही है कि ये पहाड़ों के पानी ही है, और ये पता नहीं चुन्नी डैम या चुन्नू डैम ऐसा कुछ बोल के नाम था इसका, बट एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, जो भी हो मैंने पीछे बोर्ड पर आता चुन्ना चुन्नी डैम लिख के था, 4 किलोमीटर ऐसा कुछ तो देखा। बाकी एक डैम तो मेरे को पता है मसान जोड़ है, जो कि यहाँ से अभी है लगभग 30-40 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा वो, या 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 देसी झूला। तो चलो डैम पे मिलते हैं।